हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए दोस्तों, यूपीपीसीए जे के लिए टेस्ट सीरीज है और ये 8वीं टेस्ट सीरीज है और इसमें 10 क्वेश्चन है आपको। और इस टेस्ट सीरीज में केवल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, खासकर यूएनओ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके प्री में आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसमें पूछ रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1944, 1947, 1945, 1946। तो प्लीज़ आप पहले अपना गैस कर लीजिएगा कितने आपके आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सही आंसर दे दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ऑप्शन है जेनेवा, वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो आप मुझे फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार एग्जामों में आ चुके हैं, सभी एग्जाम में आते हैं और यूपीपीसीएसजी के बिल्कुल रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल किस नगर में स्थित है? तो आपको ये बताना है, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जिनेवा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन किया जाता है? ऑप्शन ए महासभा द्वारा, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद द्वारा, सिक्योरिटी काउंसिल, ऑप्शन सी महासचिव द्वारा, ऑप्शन सी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महासभा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है? तो आपको ये बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बताना है फ्रेंड्स। इसमें महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, महासचिव द्वारा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए महासभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF, ऑप्शन डी UNO। आप मुझे बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स के कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि WTO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1945, सी 26 अक्टूबर 1945, डी 26 जून 1945। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है, यह कथन किसका है? ये पूरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स यहाँ से, कि जो यूएनओ का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका जो मेन पर्पज है वो है वर्ल्ड पीस। तो यह कथन किसका है, इसमें ये थिंकर्स के नाम है, केल्शन, पोलाक, स्टालिन, रूजवेल्ट। तो इसमें ऑप्शन होगा ए केल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 का है USA, रसिया, फ्रांस, जर्मनी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आप लोगों को इसमें बताना है, तो इसमें आंसर होगा, ये दो बार सी हो गया, इसमें आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषाएं हैं, तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल कोर्ट की? तो वो है ऑप्शन ए फ्रांसीस एवं अंग्रेजी, अरबी एंड इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, स्पेनिश या इंग्लिश। तो इसका सही आंसर होगा
फ्रेंच और इंग्लिश, यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसी तरह के नए नए सेगमेंट बस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा किसके कितने सही गए हैं प्लीज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन हैं सारे, वही मैं करा रहा हूँ जो आपके लिए, क्योंकि टाइम कम है। क्रैश कोर्स कराने की बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं बट वो नहीं हो पाएगा, तो आप जितनी मेरी बस की पॉसिबल है मोस्ट मोर चीज़ें मैं आप लोगों के यहाँ पर करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और अगर आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो ऐसा है कि मेरा मोटिव पैसा कमाना नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं अपने पास में से भी मैं थोड़ा बहुत करूँगा, थोड़ा आप लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे तो शायद मैं और ज़्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोगों से यहाँ टाइपिस्ट से टाइपिंग करा के आप लोगों के लिए बनवा दूँ अपने तरीके से। तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन लोग इस थोड़े कंट्रीब्यूशन के लिए एग्री हैं, तो ठीक है, तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल।